5 बेटा, आज 4th चैप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, देखिए अभी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि हमारी बॉडी में कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो। इसी में एक है नर्वस सिस्टम, ठीक, जिसका रिलेशन होता है सेंस को एक्सेप्ट करना, कोई भी संवेदना आ रही है उसको लेना, ग्रहण करना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक उसको पहुंचाना और फिर अकॉर्डिंग टू दैट सेंस फंक्शन करना किसी ऑर्गन्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे होता है। देखिए नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है बेटा, अब ब्रेन की चलिए बात करते हैं। इसके लिए फिगर जो आप ये देख रहे हो ना, इस व्यक्ति की पीठ आपकी तरफ है, ठीक, ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है यानी हमारे सिर का पिछला हिस्सा है, यहां पर ही ब्रेन आपका होता है, ठीक है। और ये छोटा सा ब्रेन एक्चुअली कंप्यूटर से भी अधिक फंक्शन करता है, आपके लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे अनुभव इसमें स्टोर होते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, किसी भी ऑर्गन्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। ये फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप भोजन करने बैठे हो, ठीक है, जब आप हाथ से भोजन तोड़ के कौर बना के मुंह तक ले जाते हो तब मुंह खुलता है ना, और पता चला कि गया मुंह खुला ही नहीं है या फिर मुंह पहले ही खुल गया अभी हाथ पहुंचा ही नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गन्स का, ये ब्रेन ही करता है, बहुत बड़ा फंक्शन है ब्रेन का। चलिए नेक्स्ट पेज पर बेटा आइए। तो इन्होंने कहा कि चलना, चलते समय हमारे जो बॉडी बैलेंस होती है, हम लोग गिरते पड़ते नहीं है, लुढ़कते नहीं है, ठीक है, या फिर जो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बना किस चीज का। देखिए पहले ही बताया गया है कि सेल्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट है आपका, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है ना। तो ब्रेन सेल्स से ही मिलकर के बना हुआ है और सॉफ्ट है, काफी डेलिकेट है, नाजुक है, तो इसकी रक्षा करने के लिए भी नेचर ने प्रबंध कर रखा है। जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, ठीक है ना, खोपड़ी की जो बोन्स हैं, स्कल की जो बोन्स हैं, वो इसकी सुरक्षा करती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्कल और ब्रेन, ठीक है, इसको ऐसे आप समझिए, देखिए एक बस एक जनरल मैं ऐसे समझा रही हूं, मान लीजिए ये स्कल, ये है नहीं, समझिए मान लीजिए स्कल है और ये आपका ब्रेन है, तो स्कल और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, यहां पे लिक्विड भरा होगा, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी चोट चपेट लगती है तो ब्रेन को चोट ना लगे, इसमें ये आपका जो फ्लूइड है वो भी अपनी भूमिका निभाता है, अपने ऊपर वो चोट को लेता है, यहां तक चोट को पहुंचने नहीं देता। थर्ड मेथड जो है प्रोटेक्शन का बेटा, वो ये है कि जो ये ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं मेनिंजेस, इस तरह से व्यवस्था होती है प्रोटेक्शन की। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की बात हो रही है, यानी सबसे पहली बात स्कल की बोन्स इसकी सुरक्षा करती हैं ब्रेन की, दूसरी बात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सुरक्षा करता है, और तीसरी बात कि जो मेम्ब्रेन्स हैं मेनिंजेस वो इसकी रक्षा करती हैं। अब ब्रेन का देखिए इस चार्ट को आप देखिएगा बेटा बहुत केयरफुली, बहुत डिटेल से डिटेल दिया हुआ है इसमें। ब्रेन के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। एकदम अपर पार्ट जो है ब्रेन का वो सेरिब्रम है,
साइज इसका दिया हुआ है, लार्जेस्ट साइज है, और क्या क्या करता है ये फंक्शन दिया हुआ है, सोचना, समझना, याद रखना, और क्या कहना चाहिए, हमारा माइंड कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, सब कुछ कंट्रोल होता है इसी सेरिब्रम से। इसके बाद सेकंड पार्ट है सेरिबेलम, तो सेरिब्रम से थोड़ा छोटा है और ये मेनली मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा थर्ड पार्ट मेड्यूला है, और ये मेड्यूला जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये पूरी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, यानी अपनी बिना इच्छा के अपने आप जो मूवमेंट बॉडी में हमेशा होता रह रहा है, उसको मेडुला कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। नेक्स्ट हवा ये ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको मैं बता दूं ये आपकी बैकबोन है, मैंने पहले भी बताया है, आपकी पीठ में बीच में आप स्कल के नीचे से चलिए तो हिप के नीचे तक ये जो है बोन है पीछे, ठीक है। इसी के अंदर लंबाई में ही एक कॉर्ड जैसी रचना है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, यही जो बैकबोन की बोन्स हैं वही स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। और पूरा जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो इससे कंट्रोल होता है, या आप कह लीजिए कि ये असिस्टेंट है ब्रेन का, ब्रेन को हेल्प करता है, यानी सारा लोड ब्रेन पर ना पड़े काफी कुछ काम ये ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड कर देता है। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स जो हैं वो नर्व सेल्स से बनी होती हैं, जिनको न्यूरॉन कहते हैं। देखिए ये सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, न्यूरॉन यानी नर्व सेल, ऐसी कई नर्व सेल से मिलके नर्व्स बनती हैं। नर्व्स का फंक्शन पता है आपको, ये भी थ्री टाइप्स की होती हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। सेंसरी नर्व जो है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। मोटर नर्व जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को वापस वहां तक लाएगी जो रिलेटेड मसल्स होंगे कि क्या करना है हमको मैसेज के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके हाथ से कुछ कोई गर्म चीज टच कर गई तो सेंसरी नर्व इसकी इसका मैसेज ले जाएंगी, या ये इस सेंस को ले जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व के द्वारा हमारे हाथ की मसल्स को ये मैसेज भेजेगा कि अपना हाथ वहां से हम हटा दें। जो मिक्स नर्व होती है ये दोनों ही काम करती है, ठीक है, सेंसरी का भी और मोटर का भी। ये नर्व सेल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ये एज ए होमवर्क भी है। और ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, मैं बता दे रही हूं। देखिए एक जो मेन इसकी बॉडी दिखाई पड़ रही है, ठीक है, सेल बॉडी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसमें से एक जो खूब बड़ी सी ब्रांच आपको निकली हुई दिखाई दे रही है, मोटी सी, इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक। सेल बॉडी में आपको पूरे सेल के ऑर्गेनलीज मिलेंगे यहां पे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है। और इसमें देखिए इस तरह से ब्रांचेस की तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये डेंड्राइट्स हैं। और आप देखिए ये एक्सॉन जो है ये पीछे जा करके फिर थोड़ी सी ब्रांचेस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें भी निकला हुआ है, ये नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब ब्रांचेस सब क्यों होती हैं, इन्हीं सबों के थ्रू एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से ज्वाइन हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने में लेबलिंग भी करिएगा, बिना लेबलिंग के कोई मार्किंग नहीं होगी। अब रिफ्लेक्स एक्शन की बात देखा जाए, ये क्या है, देखिए ऐसा एक्शन जिसको करने में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, जैसे हाथ से गर्म चीज टच हो गई तो ये सेंस ब्रेन को नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, और अकॉर्डिंगली स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज भेजेगा कि वहां से हाथ को हटा दिया जाए। ये सोचने समझने वाला काम नहीं है, सोचने समझने लगेंगे तब तो हाथ उतने में जल जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसलिए तुरंत ही इमीडिएटली होता है कि सेंस पहुंचता है और इमीडिएटली
ब्रेन को ना डिस्टर्ब करके स्पाइनल कॉर्ड खुद ही ये काम कर देता है। अब सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके क्या क्या हैं, देखिए आईज हैं, ईयर हैं, नोज है, टंग है, स्किन है, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि सेंस को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल इसके बारे में देखिए, ये आपका आई एक्चुअली आपको ऊपर से नहीं दिखता ऐसा, आपको ऊपर से केवल सामने का पोर्शन ये वाला दिखता है आपका। यदि पूरी आंख किसी की निकाली जाए तो वो पूरा आई बॉल, बॉल शेप्ड होता है वो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसको जानिए, सबसे बाहर की जो लेयर है जो कि आई का प्रोटेक्शन करती है ये कॉर्निया कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कॉर्निया के पीछे ये देख रहे हैं, ये होता है पूरे को ढके हुए, मतलब ये चूंकि सेक्शन दिखाया जा रहा है, ऐसे काट करके दिखाया जा रहा है तो आपको उस तरह से दिखाई दे रहा, पूरा बॉल नहीं सामने आ पा रहा है। पूरा बॉल तो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बॉल समझ में आएगा। तो ये जो है देखिए ये आइरिस है, ये देख रहे हैं ये आइरिस है और इसमें देख रहे बीच में छेद है, गैप है बीच में, जो ये गैप है वो प्यूपिल कहलाता है, इसी में से लाइट रेज अंदर आती हैं। और ये पोर्शन जो देख रहे हो ये लेंस का काम करता है, ठीक है। हालांकि ये कांच का नहीं बना है बेटा, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर का बना है, प्रोटीन का बना है, लेकिन ये लेंस का काम करता है। किस लिए? लाइट रेज बाहर से आएंगी, ठीक, इसी लेंस में होकर के तो अंदर जाएंगी रेटिना पर। ये एक्चुअली देखो ये जो है इसमें थ्री लेयर्स ये होती है मेम्ब्रेन, हालांकि सबके बारे में डिटेल आपकी बुक में अभी नहीं दिया गया है, छोटे हैं, फिर भी एक बात बता रहे हैं, जो सबसे अंदर की लेयर है ना वही रेटिना कहलाती है। और जब यहां से लाइट रेज आती हैं तो उसी रेटिना पर इमेज बनती है जो चीज हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉकरोच देखा तो कॉकरोच पे पड़ने वाली लाइट कॉकरोच से रिफ्लेक्ट होकर के ये आएगी, इसके थ्रू ये प्यूपिल के थ्रू अंदर आएगी, लेंस में आएगी, फिर अंदर आकर के ये लेंस से काम करेगा तो उस लाइट रेज को रेटिना पे फोकस करेगा और रेटिना पे आपको उसकी इमेज दिखाई देगी और आपको लगेगा हाँ मैं कॉकरोच देख रहा हूं या मैं कॉकरोच देख रही हूं। और रेटिना पर से देखो ये जो देख रहे हो ना ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है। ऑप्टिक वर्ड का मतलब ऑप्टिक का रिलेशन आई से है, आंखों से है। तो ये नर्व अब ब्रेन को चला जाएगा, क्यों जाएगा? ये सेंसरी नर्व है और ये इस इमेज के सेंस को ब्रेन तक पहुंचाएगा कि हाँ मैंने क्या देखा। इसके बाद आंख के बाहर बेटा ये जो आईलिड होती है, पलक होती है, ये भी प्रोटेक्ट करती है आंखों को। फिर उसमें आई लैशेज जो लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो भी डर्ट वगैरह से रक्षा करता है आंखों की, ठीक है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन होता है। देखिए ईयर्स के बारे में थोड़ा देखिए डिटेल, इसके मेनली थ्री पार्ट्स हैं। फंक्शन क्या है पता ही है भाई, कानों से आप सुनते हैं। जो थ्री पार्ट्स हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर आप देख रहे हैं जो बाहर आपको ये दिखाई देता है, जैसा कि मम्मी लोग यही ऐंठ देती हैं यदि आप गलती करते हैं तो, ठीक है। और ये कैविटी भी आ गई एक्सटर्नल ईयर में। इसके बाद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में क्या क्या होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे कैविटी एंड हो रही है यहाँ पे, जिसको आप लोग कान का पर्दा भी कहते हो और एक्चुअली नाम है इसका ईयर ड्रम, नाम तो और भी है टिम्पेनम मेम्ब्रेन, लेकिन चलिए ईयर ड्रम आप समझिए, कान का पर्दा। और यहीं पर तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज, छोटी छोटी सी बोन्स हैं। तो ये मिडिल ईयर हो गया। और इनर ईयर में ये स्पाइरल शेप्ड कॉकलिया, सिंगल ऑर्गन इसमें है, ठीक है। अब देख कैसे आप सुनते हैं, तो साउंड की वाइब्रेशन एक्सटर्नल ईयर ने एक्सेप्ट किया, उसको ट्रांसफर किया, ये जिसको मैंने कहा कि ये ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम एक तरह की मेम्ब्रेन है ये, तो ईयर ड्रम ने लिया, ईयर ड्रम से वो वाइब्रेशन
थ्री बोन्स से होता हुआ कॉकलिया तक पहुंचता है और कॉकलिया में वाइब्रेशन होगा, फिर कॉकलिया से नर्व सेल के थ्रू, सेंसरी नर्व सेल के थ्रू वो वाइब्रेशन ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे कि आपको समझ में आता है कि मैंने कुछ सुना है। और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि ये ईयर ड्रम जो है वो यदि डैमेज हो जाएगा किसी भी कारण से तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी नुकीली चीज आप कान में न डालें, और खुजली वगैरह भी होती है तो कभी भी नुकीली चीज डाल करके या कोई भी चीज डाल करके आप खुजलाने की कोशिश ना करें। ठीक है बेटा, चलिए नोज के बारे में। ये तो बेटा आप भी जानते हो ना कि नोज का डबल वर्क है, स्मेल सूंघते भी हो इससे आप, और ब्रीदिंग यानी सांस लेने के काम में भी आता है। आप अपनी नोज देखिए, बाहर दो छेद होता है, ठीक है, और उसके बाद अंदर थोड़ी सी कैविटी टाइप की होती है, ये नॉस्ट्रिल्स हो गया, एयर नॉस्ट्रिल्स में से चलेगा अंदर, और नाक में आपके थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, उनका फंक्शन है कि बाहर से हवा में यदि धूल गर्द कुछ आ रहा है तो वो रोक लेता है हेयर जो है। इसके अलावा नाक के अंदर म्यूकस होता है, चिकनी चीज होती है, तो कुछ डस्ट वगैरह उसमें भी चिपक जाता है, ठीक है ना, ताकि ये सब चीजें लंग्स में नहीं जा पाती हैं, इससे ये फायदा होता है। तो डबल फंक्शन आपको उसका समझ में आ ही गया, और म्यूकस उसके अंदर जो है और हेयर्स हैं छोटे छोटे उसका भी फंक्शन हो गया। अब टंग पे आइए, देखिए ये आपकी टंग है, इसमें जानते हैं आपको पता नहीं चलता लेकिन इसमें छोटे छोटे उभार होते हैं ना, और एक्चुअली वो सब टेस्ट बड्स होते हैं, और सबका देखिए अलग अलग जगह है। ये कड़वाहट यहाँ से, कड़वाहट का टेस्ट यहाँ से आता है, खट्टेपन का टेस्ट कहाँ से आता है, नमक का टेस्ट कहाँ से आता है, सब बनाया गया है। मिठास का टेस्ट कहाँ से आता है ये सब देखे दिया गया है, ठीक है। जैसे खट्टेपन का टेस्ट यहाँ से, यहाँ से सॉल्ट का टेस्ट यहाँ से, यहाँ से मिठास का टेस्ट ये बना हुआ है मिठास के लिए। तो इस तरह से कुल मिला के समझना ये है कि टेस्ट बड्स होती हैं टंग पर, और वो टेस्ट बड से हमें टेस्ट मिलता है। अब है स्किन, तो देखिए स्किन क्या है, हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, क्या है ये स्किन है ना, जानते हो ना कि सब स्किन है, बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन है, और ये सब स्किन जो है सारी जहां भी स्किन है, नर्व एंडिंग्स, नर्व सेल का एक सिरा स्किन से अटैच है, इसीलिए कोई मार दे, गर्म लगे, ठंडा लगे, दर्द हो, कोई प्रेशर दे इस पर, सब कुछ जो है वो नर्व सेल सब रिस्पॉन्सेज लेकर के ब्रेन तक पहुंचा सकती है, स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व सेल्स पहुंचा सकती हैं, ठीक है। यस बेटा, तो ये लेसन आपका ओवर हो गया और नोट्स जा चुका है, मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ, 6 मंथली एग्जाम होने वाला, एकदम फटाफट लर्न करते चलिए। चलिए क्लास 5, आप लेसन 5 का एक्सरसाइज ए का कौन कौन सा क्वेश्चन लर्न राइट करना है मैं बता रही हूं। 1, 3, 4 और इसके बाद 7 लर्न सब करना है, लेकिन ये मैं पूछूंगी गूगल मीट से, आप लोग का ओरल टेस्ट होगा इसलिए आप लोग एकदम लर्न और राइट करेंगे, ठीक है, एकदम तैयार होना चाहिए, फिर बाकी फिर कभी मैं होमवर्क दूंगी। फिलहाल जो मैंने कहा ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए।